वेलकम माय चैनल कोलमैन। आई एम बबू। तो आज का जो टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप जब ऑनलाइन या फिर यूट्यूब से गिटार सीखते हो तो आपको कौन कौन से प्रोसीड्योर, मतलब कौन कौन से लेसन को फॉलो करने चाहिए। एक के बाद एक मैं आपको 15 चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको मदद करेगा ऑनलाइन या फिर यूट्यूब से गिटार सीखने के लिए, क्योंकि आपके सर्चेस जो हैं वो बहुत ही बेकार रहता है, जिस वजह से आपको सीखने में दिक्कत होता है कि आप सर्च कर रहे हो कि बिगनर गिटारिस्ट एंड लेसन फॉर बिगनर गिटारिस्ट, तो वो कुछ भी रेंडमली आ जाता है, जिसके वजह से आपको एक पैटर्न नहीं मिलता कि आप कहाँ से शुरू करें और कैसे बिगनर से इंटरमीडिएट तक जाएं। तो आज मैं उस चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा। और हाँ, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। ऐसे ही ढेर सारे लेसन्स और टैब्स एंड कॉर्ड्स के साथ मैं आपको रोज़ मिलता रहूँगा। तो चलिए सीखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो जब भी आप सोचते हो कि आप एक गिटारिस्ट बनोगे तो पहले कुछ चीज़ें आते हैं जो कि मैं बता देता हूँ, छोटे छोटे चीज़ें, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या चीज़ फॉलो करने चाहिए। तो पहला चीज़ जो है कि आपको एक वीडियो देख लेनी चाहिए कि आपको कौन सा गिटार अच्छा रहेगा और आप कैसे गिटार खरीदें, तो ये रहता है मेन चीज़। तो दूसरा चीज़ जो आता है, आप गिटार को कैसे होल्ड करेंगे, यानी कि हाउ टू होल्ड ए गिटार, तो ये दूसरा आता है। तो तीसरा चीज़ जो आता है वो आता है कि हाउ टू ट्यून ए गिटार, जो आपके स्ट्रिंग्स हैं उनको कैसे प्रॉपरली ट्यून करेंगे, तो ये आता है तीसरा चीज़। और चौथा चीज़ जो है कि हम पिक से प्ले करते हैं कि आप कैसे पिक को होल्ड करेंगे जिससे आपको गिटार प्ले करने में आसान हो सके। पाँचवा चीज़, जब भी आपका कोई गिटार का स्ट्रिंग या फिर कुछ डैमेज आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, तो उसको आप कैसे चेंज करोगे। और जो एंड का चीज़ है वो गिटार के एसेसरीज, जो कि आपको मदद करेंगे गिटार लाइक प्ले करने में, लाइक कैपो और ट्यूनर वगैरह वगैरह, तो ये सब आपको जान लेनी चाहिए। तो अब चलते हैं, बात करते हैं मेन टॉपिक, जो कि है आप जब गिटार शुरुआत करते हो, बिगनर से इंटरमीडिएट तक जाने की कोशिश करते हो, तो पहला चीज़ आपको क्या करने चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ जो आता है, गिटार की फुल बॉडी, और आपको इन सारे इक्विपमेंट जो कि लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इन सारे, इसको नट, इसको स्ट्रिंग, इसको बॉडी, किसको ब्रिज, और ये सब चीज़ के बारे में आपको जान लेनी चाहिए। पूरे गिटार के ऊपर किस चीज़ को क्या बोलते हैं उसको आपको जानने चाहिए। तो दूसरा चीज़ जो आता है, फिंगर एक्सरसाइज, जिसमें आता है कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड फिंगर एक्सरसाइज, तो आपको ये भी प्रैक्टिस करने दें। तो ये रहा दूसरा। तो तीसरे में आपको सर्च करना है म्यूजिकल अल्फाबेट्स, जिसको लेके हम कोई भी म्यूजिक थ्योरी बनाते हैं, जो 12 नोड हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और उसमें से आते हैं फ्लैट और शार्प। तो ये जो फ्लैट और शार्प है आपको उसको 4 नंबर पे रखना है। तो जैसे ही आपको म्यूजिकल अल्फाबेट पता चल जाते हैं, उसके बाद आपको फ्लैट और शार्प के बारे में जान लेनी चाहिए। पांचवा जो चीज़ है वो है कि आपका मेजर स्केल। तो मेजर स्केल में आपको क्या करने चाहिए, पहले आपको सी मेजर स्केल को लेना है और उसका जो एक ऑक्टेव, क्योंकि सी मेजर जो है वो आसानी से आपको याद, उसका जो नोट्स हैं आपको आसानी से याद रह सकता है, क्योंकि उसका जो है सिस्टमेटिकली और एक सीरियल है, सी डी ई एफ जी ए बी देन सी, तो इसलिए आसान होता है आपको याद रखने के लिए। तो पहले सी मेजर से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद जितने सारे मेजर कॉर्ड हैं उनको एक ऑक्टेव, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे फ्रेडबोर्ड के अंदर कवर कीजिए, तो आपको सिर्फ एक ऑक्टेव प्रैक्टिस करने हैं सारे मेजर कॉर्ड। तो उसके बाद जो छठा लेसन आता है, तो उसमें आता है माइनर, तो आपको शुरुआत कहाँ करना है माइनर स्केल में, ए माइनर, जैसे सी में आता है सी डी ई एफ जी ए बी सी, सिमिलरली ए में आता है ए बी सी डी ई एफ जी ए, तो आपको माइनर ए से शुरुआत करना है और उसके बाद जो है कि उसके सारे स्केल को ए माइनर बी माइनर, उसको आपको एक एक ऑक्टेव में प्ले करना है, जो कि होता है सारे गमा पा धनी सा, मैं बता रहा हूँ मेजर स्केल में, देख लीजिए सी मेजर प्ले कर रहा हूँ, तो ऐसे आपको एक ऑक्टेव प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो ये छठा। तो आपका जो सातवां लेसन है, तो उसमें आपको क्या सीखना चाहिए, कुछ ओपन कॉर्ड जैसे कि ई ए डी मेजर ए मेजर, तो ये सारे आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, मेजर कॉर्ड हो या माइनर कॉर्ड हो, उसको ओपन शेप में आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो आठवां चीज़ जो आता है, उसमें आपको क्या फॉलो करने चाहिए, मेजर कॉर्ड की थ्योरी, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ सीखना है कि आप एक मेजर कॉर्ड कैसे बनाते हो और उसका जो है स्केल कैसे बनाते हो और पूरे ऑक्टेव के ऊपर आपको उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये सारे चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए।
तो 9 नंबर पे क्या आता है, माइनर स्केल। माइनर स्केल का वही सिमिलर चीज़ है कि आपको पूरे उसके जो है कैसे कॉर्ड फॉर्मेशन होते हैं और उसका जो है ऑक्टेव आपको कैसे फ्रेडबोर्ड के अंदर पूरे कंप्लीट प्ले करना है, तो उसका सारे जो कि मतलब होल नोड हाफ नोड जो थ्योरीज हैं आपको थ्योरी के साथ पूरे कंप्लीट करना है। 8वां में आपको करना है मेजर स्केल, देन आपको माइनर स्केल कंप्लीट करना। तो 10 नंबर पे आता है आप लीड प्ले करना स्टार्ट करो, क्योंकि तब तक आपका इतने सारे प्रैक्टिस के वजह से आपका जो है फिंगर और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिए होंगे, तो आपको तब कोई भी गाने का लीड प्ले करना स्टार्ट करने चाहिए। तो आपको 10th में आता है कि आप एक लीड प्ले करो। तो 11 में आपका क्या आता है, स्ट्रमिंग, जो कि आपको एक इजी स्ट्रमिंग पैटर्न से स्टार्ट करना है कि आप जैसे कि होता है डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप, तो ऐसे ही आपको बिगनर से मतलब 11 पे आपका आता है स्ट्रमिंग पैटर्न। तो आप कोई भी कॉर्ड लीजिए उसके बाद आप उसको स्ट्रम कीजिए, तो आप राइट हैंड का एक्सरसाइज स्ट्रमिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं 11 नंबर पे। तो 12 नंबर पे आपको क्या करना है, कॉर्ड प्रोग्रेशन, जो कि ऐसे सी ए एफ जी जितने भी ओपन कॉर्ड हैं उनको लेके आप कॉर्ड प्रोग्रेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 13 नंबर पे आप गाना प्ले करना स्टार्ट कर लो स्ट्रमिंग के साथ, क्योंकि आपको कॉर्ड और उसका प्रोग्रेशन आ चुका होगा, तो तब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि गाने के साथ कैसे स्ट्रमिंग करोगे। तो ये चीज़ आपको 13 नंबर पे आता है कि आप एक अच्छी तरीके से सॉन्ग को प्रैक्टिस करो, 1 2 3 कोई भी सॉन्ग लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो 14 नंबर पे आता है बार कॉर्ड कैसे प्ले करोगे, तो वहाँ पे आपको मूवेबल कॉर्ड भी आपको आ जाएंगे कि जैसे कि ए माइनर को हम मूव करते हैं तो ये बनता है बी एस आर बी देन सी, सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप पहले समझ चुके होंगे कि आपका जो है म्यूजिकल अल्फाबेट कैसे अरेंज होते हैं, तो उसी हिसाब से आपको मूवेबल कॉर्ड और बार कॉर्ड पता चल जाएंगे। वही 14 नंबर पे आपको 7th और 9th कॉर्ड भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि तब आपका जो है 60% कॉर्ड का जो प्रैक्टिस होता है ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये डिमिनिश्ड वगैरह एड 9 तो ये सब आते हैं बाद में। तो एंड में आपको क्या सीखना है, जो 15 नंबर है तो उसमें आपको थोड़े इफेक्ट सीखने, जैसे कि स्लाइड हो हमारा हो ऐसे, और म्यूट वाला, तो ये सब आपको 15 नंबर पे प्रैक्टिस करने चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरे कंप्लीट शेड्यूल बता दिया कि आप जब गिटार को लेके दिमाग में डाउट आ रहा है कि आप कैसे अच्छे गिटार प्ले करोगे, तो आप इन सारे चीज़ों को स्किप मत कीजिए, 1 बाय 1 फॉलो कीजिए, ताकि आप एक अच्छे गिटारिस्ट बन पाएं। अगर आप इन सारे चीज़ों को स्किप करके डायरेक्ट लीड या फिर कोई भी कॉर्ड प्ले कर रहे हो, तो हाँ मानता हूँ कि आपका ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन आपको हमेशा यही प्रॉब्लम रहेगा कि आप कैसे गाने का कॉर्ड फाइंड करोगे, कैसे गाने का टैप्स फाइंड करोगे। तो मैंने आज आपको पूरे कंप्लीट बता दिया कि आप एक से एक कैसे फॉलो करोगे और कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो ये था आज का कंप्लीट लेसन, तो ये लेसन तो नहीं था लेकिन मैंने आपको आज एक रूट बता दिया, आप उसी रूट पे जाइए और आसान होगा आपको गिटार सीखने में और गिटार प्ले करने में, जो डाउट्स भी है वो इसी सारे चीज़ के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो 15 चीज़ें मैंने आपको बताए उसको आप फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और हाँ अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे टेक्स्ट कीजिए और यार फॉलो कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। स्टे ट्यून एंड थैंक यू।